राम राम मेरे सारे भैया ने। तो यार आज ना एक टॉपिक लिखा है मैं आप सभी लोगों के आगे कि भाई लखनऊ में एक कांड हुआ था जो आपको पता होगा बहुत वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे लग रहा है, व्हाट्सएप की स्टोरीज पे लग रहा है, ठीक है। तो यार जो कैब ड्राइवर को उस मैडम ने 22 थप्पड़ मारे हैं, और 22 थप्पड़ ऐसे नहीं मारे भाई जो WWE में होता है ना, भाई साहब उछल उछल के मारते हैं, भाई साहब बंद दिया यार, भाई साहब के मतलब कितने बुरे में थप्पड़ मारे उस लड़के को है। और लड़के बार बार कह रहे थे कैब ड्राइवर कि भाई हमारा कि यार आपने मेरे के नाम सर का फोन तोड़ दिया, 22,000 का 23,000 इतने का था, ठीक है आप उसको नुकसान दो। पर वो मैडम रुकी नहीं रही थी, बार थप्पड़ी थप्पड़ थप्पड़ी थप्पड़ दे दरादन थप्पड़ी थप्पड़ मारी थी, मतलब बिना रुके। चलो कोई नहीं, उसके बाद क्या होता है भाई कि जो कैब ड्राइवर होता है उस कैब ड्राइवर के ऊपर ही उसकी FIR हो जाती है। हमारे पास वीडियो होने के बावजूद तुमने उसके ऊपर FIR कर दी और 24 घंटे तुमने जेल में रखा, ठीक है। चलिए मैं क्लिप दिखा देता हूँ आप लोगों को उनकी। तो तुम लोगों ने उत्तराखंड की एक न्यूज और देखी होगी जहाँ पे एक राजस्थान लड़का जाता है वहां पे अपनी वो क्या कहते हैं उसकी बंदी कोई टाइप होगी मिलने के लिए, ठीक है। तो लड़की बुलाती है और उस लड़की बुलाने के बाद वो लड़की खुद मिलने आती है भाई साहब उससे, ठीक है। यार कोई इतना पागल तो होगा नहीं भाई साहब जो कि राजस्थान से इतनी दूर उत्तराखंड उससे मिलने जाए, कुछ खास बात होगी अभी तो भाई मिलने गया होगा बेचारा, ठीक है। वहां जाके क्या होता है वो लड़की उसको फंसा देती है और जो उसके गांव वाले होते हैं वो भाई साहब बहुत बुरी हरकत कर देते हैं, इतना कर देते भाई चार बंदा आग ही मजा आता है। विश्वास नहीं है मेरा फोन किसकी बात है तो क्या है आप देख लो, आपके लड़की मैं छोला मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, और इसमें मेरे को मतलब दिन रात फोन किया अंकल मैं जयपुर में जॉब करता हूँ होटल में, इतने बड़े घर से मैं नहीं हूँ, मैं होटल में जॉब करता हूँ। और जब मजा आता है तुम्हारे इंडिया पॉपुलेशन की बहुत बढ़िया बात होती है कि जब सारे भाई वो उसकी सपोर्ट करेंगे कि यार ये होता फलाना होता ढीकना होता। तो ये जब करंट सिचुएशन चल रही हो जब हमें सपोर्ट करना चाहिए ना, तुम बताओ करना चाहिए ना, पर जब कोई नहीं करता है वो चाहिए। और जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाए जब बोलते हैं यार वो बंदा बहुत अच्छा था हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, यार प्लीज ऐसा मत किया करो। पहली बात तो जब सिचुएशन चल रही हो ना तो पहले उसको समझ ढंग से समझ लिया करो, ढंग से देख लिया करो, ठीक है ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है जो लड़की होती है लड़की अपनी जब ये न्यूज चैनल वाले होते हैं ये इंटरव्यू देने लेने जाते हैं, लड़की बोलती है कह रहे मेरे तो हाथ टूट गए, ठीक है मेरे तो पैर हूँ भाई साहब वो गाड़ी वाड़ी चढ़ेगी फ्रांस देख रहा, ठीक है 300 बंदे आए 300 बंदे मेरे को मार रहे हैं घसीट के ले जा रहे हैं। अरे कौन सी वीडियो के लिए पैसे हमें दिखा दो हम भी देख ले एक बार। मारा है सर और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। कितने लोग थे क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है साहब कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। 300 नहीं 500 समथिंग हुई थी, पर देख रहे थे कि हाँ वो कैब ड्राइवर को मैडम थप्पड़ मार रही है और ऐसे नहीं मार रही बहुत तेज तेज मार रही है। अगर कोई और होती ना अगर कोई लड़की लड़की होती तो मैं बता देती कौन है वो। जब देख लेते कि हाँ भाई कितने उछल उछल के मार रहे हैं ब्रो भी टक्कर होनी चाहिए, लड़की होती है जब बबरा देती बढ़िया और बढ़िया धारते, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बहन हो कैब ड्राइवर तो अगर कैब ड्राइवर एक थप्पड़ मार देते ना सॉरी कैब तो पता है बात क्या होती है कि भाई कैब ड्राइवर वाली गलती है मारो इसने मारो बहुत मारता और फिर उसकी इतनी बुरी हालत कर देते बेचारा हॉस्पिटल पहुंच जाते है कि बात भाई कोई गलत ना रह करे छोर इतनी जल्दी गलत ना रह करे, ठीक है। और ना कोई छोर ऐप कर ही करे हम सारे एक दूसरे उसमें नाम लगा दे करो भाई साहब छोरे गलत हो सके छोरी का गलत हो ही ना सके। और भाई एक बात बतानी खाते कि जैसे मतलब भाई जो वीडियो देखा है बारे खमा जैसे भाई के ना भाई देखा है वीडियो तो बोल रहे हैं कि छोरी या थप्पड़ मारी छोर कुछ ना मार रहा है, ठीक है। अगर हम उसकी जगह होता तो हम तो बगा बगा मारते छोरे दे भाई सही बताऊं हम भी उस सिचुएशन होता है जब हम खुद बात सोचता कि यार अगर थप्पड़ मार देना तो सारी कहानी मार पर बढ़ जाएगी और इतना आपका तो गवर्नमेंट इतना भाई तो भाई इतनी सारी धाराएं लगा दे करे ना कानून खुद ही कि भाई वो छोपा बंदे सोचते हैं ना गलती की गलती है, ठीक है। तो भाई एक बार अपने आपने खुद उस सिचुएशन में रखने देख लिया करो जब कुछ सोच आज के बोल दिया करो, ठीक है।
और रही बात है यार, हमने सपोर्ट करना चाहिए उस कैब ड्राइवर को यार। ये कैब ड्राइवर भाई इतनी मेहनत करते हैं, अपना भाई घर चलाते हैं, और कैब ड्राइवर की जब भाई इतनी सैलरी रिस्पेक्ट उसकी गई है ना, तो उसकी सैलरी रिस्पेक्ट नहीं गई, उसके जो घर वाले उनकी सैलरी रिस्पेक्ट भी गई, ये चीज भी सोच रहे हैं यार आप। ठीक है, तो भाई मेरे इतना कहना है कि भाई सपोर्ट करो सारे मिल के। ठीक है, उस वीडियो को जरूर शेयर करना कि उस बंदे को न्याय मिल जाए। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो ना हमारी यूपी पुलिस ने उन्होंने उनकी एफआईआर दर्ज कर ली है। ठीक है, तो उनको जल्दी भाई वो क्या कहते हैं भाई जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई पहली सिचुएशन देख लिया करो, उसके बाद बोले करो। ठीक है, बस इतना ही कहना था। ठीक है, और कुछ ना है, और वीडियो हम देख लियो भाई, लाइक वाइक कर दो। कुछ तुम सोच रहे हो ना कि वो पॉपुलैरिटी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे भाई इंस्टाग्राम फेसबुक ठीक हम सब यूज करी करा, किस लिए करी करा, पॉपुलैरिटी के लिए यूज करी करा। ठीक है, इसने कोई फालतू फंड तो बनाते रहेगा वीडियो भाई, थानू बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो, ना लगे भाई अनसब्सक्राइब कर दियो, चैनल डिसलाइक कर दियो, इतना बड़े फालतू के कह सकूं, रिपोर्ट के रिपोर्ट कर दियो। ठीक है, और फेंकना पड़ रहा हमने। ठीक है, पर जो बात सच्ची थी भाई वो उठा दाल बता दी है। ठीक है, तो भाई कैब ड्राइवर की इतनी कोई गलती है ना, और बकायदा वीडियो तो सब देख लिए, तो भाई आगे थारू है जो कुछ भाई। राम राम।